आज का वीडियो बहुत स्पेशल है गाइस, बिकॉज मेरे साथ एक जीएमई एस्पिरेंट बैठे हैं, सरफराज, और ये देहरादून आए, मोचे नेवी डिकोडर में स्टार्टेड वर्किंग। अभी बातें करते करते पता चला कि 11 महीने से ही इज़ वर्किंग इन देहरादून एट मोचे नेवी डिकोडर। ही इज़ गॉट सिलेक्टेड इन सेवन आइलैंड शिपिंग कंपनी रिसेंटली। IMS गोवा में भी द एज वॉज अ इशू। एंग्लो के लिए ये एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खरीद नहीं तोड़ते थे। ग्रेट ईस्टर्न में का सिलेक्शन हो गया था, बट ही हैड हिज ओन रीजंस। तो अब जस्ट डिस्कशन करते हैं कि थोड़ा सा बेसिक में क्यों आए, क्या हुआ, व्हाट डिड ही लर्न आउट हियर, एंड विल इट हेल्प हिम, लेट्स सी। तो पहली बात, सरफराज कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर आसाम का रहने वाला हूँ। तो सरफराज तुम यहाँ क्यों आए? सर मैं यहाँ आया था, मुझे जब मर्चेंट नेवी के बारे में पता था, जब पता चला उस समय इतना आइडिया नहीं था तो क्या करना है, कैसे जाना है। मुझे पता चला कि GME होता है, तो उसके बाद मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला। उसके बाद जब चैनल के बारे में पता चला, मैंने आपके एक बार आप इंस्टाग्राम लाइव पे थे, तब आपने बोला कि दो लड़के चाहिए यहाँ पे, तब मुझे लगा वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। मुझे एक आपके जैसे मेंटोर मिल जाएंगे जो मुझे दिखा सकते हैं सब कुछ, मतलब वे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ पता है ही नहीं लोगों को, तो मुझे पहले कुछ पता आइडिया था ही नहीं, तो मैं बस आप बस मेंटोर बन जाओ, मैं इसीलिए आ गया था। तो फिर कहाँ से आए सरफराज तुम? मैं असम जोरहाट से आया हूँ। असम से देहरादून कितने घंटे का सफ़र अगर तुम ट्रेन से जाओ यहाँ से? तो सर ढाई दिन, मतलब ढाई दिन दिल्ली तक, ढाई दिन उसके बाद एक और दिन देहरादून। अच्छा, पहले दिल्ली तक ढाई दिन? पहले दिल्ली तक ढाई दिन और उसके बाद आधा दिन एक दिन कम से कम देहरादून यहाँ पे। तो इतनी दूर से तुम, अच्छा जब तुमने, मुझे याद नहीं, तुम मुझे बताओगे, तो तुमने लाइव देखा उसके बाद तुमने मुझे कॉन्टैक्ट किया आपको? मैंने हाँ उसी रात को कॉन्टैक्ट कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मुझे पूछा कि क्यों आना चाहते हो, तो मैंने आपको वही बोला था कि बस आप मेरे मेंटोर बन जाओ, मैं आ जाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। तो मैं उसके एक हफ्ते बाद यहाँ आ गया था। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि आ जाओ? हाँ, मैंने कुछ शर्तें रखी थी कुछ तुम्हारे आगे। आपने मुझे इतना बोला था कि आपको, तुम्हें फ्री टाइम कुछ नहीं मिलेगा, जो बोलना है जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, और तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो जब तुम यहाँ पर आए, तुम्हें उम्मीद ऐसी कभी थी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा बेटा IC इंजन ऐसे काम करता है? उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया। वो आपने पहले क्लियर कर दिया। तो फिर तुम सीखे कहाँ? सर जब भी पैकेजेस शूट होते थे तो मैं पीछे बैठता था, तो जब मैं पीछे बैठता था तब मुझे बहुत सारे नए नए चीज़ें पता चलता था। जब मैं पहले यहाँ आया था, आपको शायद आप भूल गए होंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस का मुझे फॉर्मूला पूछ रहे थे, मतलब कैसे वो पूछ रहे थे, तो मुझे उस समय वो भी याद नहीं था। तो बाद में मुझे बहुत अपना नॉलेज, मतलब गेन हुआ मेरा यहाँ पे। एक तो सबसे ज़्यादा हुआ जब पैकेजेस बन रहे थे तो मैं उसके पीछे बैठा हुआ था, और उसके बाद मैं पढ़ने लगा ड्रीमर से, विजनरी से, और आपको भी काफ़ी सवाल मैं बीच बीच में इवनिंग में पूछने लगा कि ये क्या है वो क्या है। और उसके बाद टेक्निकल डिस्कशंस में जब स्टार्ट किया तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिले, और ग्रुप में काफ़ी लड़के मैसेज करते थे कि ये क्या है ये क्या है, तो मैं ट्राई करता था कि सबका रिप्लाई दूँ, आंसर दूँ कि टेक्निकल, मैं मुझे आता नहीं था तो मैं पढ़ता था पहले, उसके बाद मैं उनके आंसर्स को रिप्लाई करता था। तो उससे काफ़ी 11 महीने, आज अभी जब तुम वीडियो बनने से एक सेकंड में, कितना टाइम हो गया तुम्हें सरराज? कहते हैं सर 11 महीने, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। 11 महीने का लंबा टाइम क्यों लगा? चलो अब इस पर डिस्कशन करते हैं, कहाँ दिक्कत आई, कहाँ कहाँ फेल हुए, कहाँ कहाँ पास हुए, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, नॉट इन डिटेल बट यस। सर सबसे पहले तो ग्रेट ईस्टर्न में मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो अप्रैल में निकल गया था 4 महीने में। उसके बाद सर मैं एंग्लो के लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरा PCM कम है 60 से, तो उसके बाद मैं IMS गोवा की प्रिपरेशन में लग गया था। तो इंटरव्यू देने के, क्योंकि मेरा एज लिमिट ज़्यादा था तो वो एक इशू कर रहा था। उसके बाद MSc का इंटरव्यू दिया, वो काफ़ी इंटरव्यू अच्छा गया था, मुझे होप था कि हो जाएगा लेकिन उसमें नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली 7 आइलैंड में हो गया। तो मैं प्रिपरेशन तो काफ़ी पहले से ही मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे तो उसी के वजह से मेरा नहीं हो रहा था उस समय से। तो एक टाइम तुम्हें ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन अपने ऊपर लगा होगा, बहुत बड़ा होगा? जी सर, मैं उस लास्ट मंथ ही मैं सोच रहा था अगर इसमें भी ना हो तो मैं कुछ और कर लूँगा। मैंने एक बार आपको बताया भी शिप चार्टरिंग, शिप ब्रोकिंग के बारे में चल रहा था, वो सब में चल रहा था। अब अगर मैं तुमसे पूछूँ तुम्हारी सबसे एक अच्छी चीज़ जो तुम यहाँ से लेके जा रहे हो तो वो क्या है? एक साल जो रहे तुम यहाँ पर, सबसे ज़्यादा तुमने क्या चीज़ तुम्हें लगता है तुमने गेन करी यहाँ पर रह के? सर एक तो नॉलेज, और मुझे वो काम करने का तरीका, और आप जिस तरीके से काम करते हो, मैं तो बहुत खराब तरीके से करता हूं। नहीं, वो आप में मैंने देखा है हर समय काम के प्रति आपका जो है, मतलब हाँ, तो मैंने वो पहले मेरे पे वो नहीं था, तो अभी मैं वो बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं तुम्हारे अंदर एक चीज़ है कि आई सॉ दैट यू आर वेरी पंचुअल। जब भी तुम किसी कोई आते थे विजिटर पैकेज बनाने के लिए, तुम उनके पीछे बैठते थे या कुछ भी करते थे, तुम उनसे पूछता था लड़का मेहनती है कि नहीं है,
तो हम कहते नहीं तुम्हारी टीम बहुत मेहनती है, तो ये टिक लगाता है कि तुम आगे भी जब जहाज पे जाओगे तो तुम अच्छा काम करोगे, आई प्रॉमिस यू दैट, नहीं करोगे तो जय माता दी है, ध्यान रखना इस बात का। तो बस सरफराज एक चीज़ और, वैसे तो मैं इतनी बार तुमने मेरे सेशन सुने, यहीं पर बैठे बैठे तुम काम करते हो, इतनी चीज़ें तुम्हारे अंदर घुस गई होंगी, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तुम्हें पता है अभी भी बहुत मेहनत करनी है और आगे बढ़ो फटाफट, जो तुमने टाइम खोया है वो अपने आप निकल जाएगा। तुम्हारे साथ गौरव आए थे, देवर यंग, तुम्हारा 2 साल ड्रॉप हो चुका था, वो फटाफट स्कॉर्पियो में चले गए, तुम्हारा भी हो जाता, बट पीसीएम परसेंटेज ना होने के कारण में 2 साल ड्रॉप होने के कारण चैलेंजेस थे, अखिल चला गया। सो जब तुम्हारा इस बार था तुम लगातार, फिर मैं बड़ा परेशान था, याद होगा जब तुम एंग्लो IIMS गोवा में फेल हुए, MSc में नहीं हुआ, तो तुम्हारे पिताजी से बात हुई। सो आई एम जस्ट सेइंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हर किसी का टाइम आता है, जस्ट मेहनत कीजिए। बहुत सारे टेक्निकल ब्लॉग्स जो आप देखते हैं विस्कोसिटी एंड ऑल मोशन डिकोडेड पे, वो इन्हीं बच्चों के लिखे हुए हैं, और अभी भी उसमें बहुत से चेंजेस करता रहूँगा, धीरे धीरे नए बच्चे आ रहे हैं, उनके चेंजेस हो रहे हैं। बट अगर कोई आना चाहता है यहाँ पर, देर इज़ वन थिंग, देर इज़ नो सैटरडे नो संडे, देर इज़ नो हाफ डे, देर इज़ ओनली वर्क, एंड वेन यू लर्न टू वर्क उसी में आप बहुत कुछ सीख जाते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हुए तुम्हें, मैंने कॉलिंग भी कराई है तुमसे? हाँ मैम, वो मेरा एक बड़ा इशू था। क्या इशू था ये बताओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि पहले जब मैंने कम्युनिकेशन में, मैं बोल नहीं पाता था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, मेरे वर्ड्स परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो यहाँ पे जब मैंने आने के बाद मैंने कम्युनिकेशन में मैंने कॉलिंग्स किए, कॉलिंग्स में बहुत सारे लोगों के साथ रिव्यूज़ में, जितने पहले मुझे उसमें दिक्कत आता था कि मैं उनको अच्छे से पूछ नहीं पाता था, अच्छा सा रिव्यू नहीं मिलता था मुझे, लेकिन जब मैं करता गया मुझे 2 हफ्ते लगे 3 हफ्ते लगे, उसके बाद मुझे डिफरेंस पता चला, और आज मतलब पहले से तो कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो गया। अगर मैं तुम्हें किसी 10 लोगों के बीच में खड़ा करते जिनको तुम नहीं जानते, तुम बात कर लोगे जाके? जी, मैं अभी कर पक्का श्योर। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है, कॉलेज इट इज़ अ पार्ट, जाएगा बच्चा पढ़ाई करेगा, कुछ चीज़ें जो कि आपको ज़िंदगी सिखाती है पढ़ाई नहीं सिखाती है, एंड आई मीन ब्लंट ऑनेस्ट आउट हियर, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है, यहाँ पर इनको झकझोड़ के रखना ये मुझे चाहिए, दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन वंस एंड फॉर ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, कि आप जब अगर कभी कोई मेरे पास आना चाहे तो देर इज शुड बी ओनली वन रीजन, कि यू शुड थिंकिंग टू लर्न बियॉन्ड कि बस मुझे कॉलेज में जाना है, इट शुड बी अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट शुड बी अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ, लर्निंग टू बी पंचुअल, इट शुड बी अबाउट लर्निंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट शुड बी अबाउट गेटिंग मोर डेटा एंड ऑल दोस स्टफ्स, जो कि तुम्हें आगे चल के कामयाब बनाएगा। विद दिस थैंक यू सरफराज फॉर ट्रस्टिंग, और अब एक और चीज़, हाथ जब मिलाओ तो जान लगा के ऐसे बिल्कुल सॉलिड तरीके से, एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो कि वीडियो देख रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, अगर हम आना चाहते हैं, मेरे पास आज के दिन अलॉट ऑफ क्वेरीज कीप कमिंग, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वील सी इफ यू हैव सम वैकेंसी वील डेफिनेटली कॉल यू, एंड हाँ अगर हम आपको बुला रहे हैं तो दे विल बी दैट विल बी अ पेड इंटर्न, सो डोंट वरी, उसमें तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा यहाँ का रहने खाने का, बराबर सर? फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत जय माता।